नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू 15 जुलाई को दिल्ली पहुंचे। वहीं आज मुख्यमंत्री नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को उनके समक्ष रखेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हिमाचल को मिलने वाली बिजली रॉयल्टी और नई पेंशन स्कीम की देनदारी का मामला उठा सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लगे झटके से भाजपा उभरने की कोशिश कर रही है। वहीं अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करेंगे। बता दें कि महीने के अंदर अमित शाह दूसरी बार अपने हरियाणा दौरे पर। भागलपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक की तारीख बदल दी गई है। अब ये बैठक 19 जुलाई को होगी। बता दें कि मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि 24 जून की सामान्य समिति बोर्ड की बैठक शेष रह गई थी। इसको पूरा करने के लिए 16 जुलाई की तिथि तय हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण अब ये बैठक 19 जुलाई को होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है। इसके मद्देनजर असम के मुख्यमंत्री और चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज रांची पहुंचेंगे, जहां वो झारखंड भाजपा के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 16वां वित्त आयोग 22 और 23 जुलाई को पंजाब के दौरे पर आ रहा है। पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद पनगड़िया की अगुवाई में आने वाला ये आयोग इन दिनों विभिन्न राज्यों के दौरों पर है और 22 व 23 जुलाई को पंजाब का दौरा करेगा। आयोग के सामने अपनी वित्तीय स्थिति को रखते हुए राज्य सरकार ठीक उसी तरह का राहत मांगना चाहती है जैसे कि 15वें वित्तीय आयोग ने दी थी। इसी विषय पर आज भगवंत मान हाई लेवल मीटिंग करेगी। OnePlus आज एक बड़े लॉन्च इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। OnePlus भारत में आज OnePlus Pad 2 को लॉन्च करेगा, जो कि डिस्प्ले डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है और इसकी अधिकतम ब्राइटनेस 900 निट्स है। बता दें कि इसकी कीमत करीब 48,000 के करीब बताई जा रही है। हरियाणा पुरुष कांस्टेबल के 5,000 पदों के लिए आज से शारीरिक माप परीक्षण यानी कि PMT शुरू की जाएगी। आज से पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहला स्लॉट सुबह 6:30 बजे, दूसरा 8:30 बजे तथा तीसरा 10:30 बजे और चौथा 12:30 बजे किया जाएगा, जिसमें 2,000 उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण होगा। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय एवं परिसर संस्थानों में PhD में प्रवेश के लिए 13 मई से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसके बाद 9 जुलाई को हुई प्रवेश परीक्षा में 55 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिसके बाद आज परीक्षा परिणाम जारी होगा। विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर VK पटेल ने बताया कि PhD में प्रवेश पाने वाले स्कॉलर्स को रिसर्च कम टीचिंग फेलोशिप स्कीम के तहत ₹20,000 प्रति माह का मानदेय भी मिलेगा। आगामी 9 अगस्त को धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर आज आदिवासी सेवा समिति की एक आवश्यक बैठक बरका काना में फुटबॉल मैदान नया नगर में आयोजित की जाएगी। ये बैठक शाम को 4 बजे होगी। बता दें कि ये बैठक समिति अध्यक्ष गोविंद बेदिया के निर्देश पर रखी गई है। हरियाणा के करनाल बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम करनाल के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज बैठक होगी। इसमें बिजली संबंधी सभी समस्याओं का निपटारा करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1661 में स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया। आज ही के दिन सन 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। आज ही के दिन सन 1951 में नेपाल को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। आज ही के दिन सन 2002 में पराग्वे में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आज ही के दिन सन 2021 में भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन कलाकार सुरेखा सीकरी का निधन हुआ था।
मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।